लोगों को जागरूक इसलिए करती है कि जितनी मौतें अपराध से नहीं होती उससे कहीं वो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। चल पहिया अगर चलाना है तो समापन हो रहा है, इसमें क्या कार्यक्रम चाहिए? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 1 नवंबर से 30 नवंबर ये पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ यातायात माह मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि इस महीने विशेष रूप से हम लोग की टॉप प्रायोरिटी होती है कि स्कूल के बच्चों से लेकर जन सामान्य में जगह जगह कैंप लगाकर ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक करें, बच्चों को जागरूक करें, उनके घर वालों को जागरूक करें, जिससे कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि किसी भी ज़िले में जितने भी मर्डर रेट होता है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सीडेंट में डेथ होती है। ये डेथ हम बचा सकते हैं अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, तो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी संख्या में कमी हो जाती है। इसीलिए ये अभियान हमारा 1 महीने का विशेष रूप से चलता है। सर, जैसे आपके द्वारा बताया गया कि केवल 1 महीना नहीं या पूरे साल जैसे चलाना चाहिए, तो इसके लिए पुलिस के आगे क्या रहना है? नहीं, ट्रैफिक के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस के द्वारा पूरे साल काम किया जाता है, समय समय पर कैनाल होते हैं, ये हमारा साल भर का कार्यक्रम होता है। परंतु 1 महीने के लिए विशेष रूप से हमारा फोकस पॉइंट यातायात हो जाता है, और टोटल डिपार्टमेंट जो है वो सभी लोग अधिकारियों से लेकर नीचे तक हम यातायात के नियमों को जागरूक कराने के लिए विशेष प्रयास करते हैं।